कि आप लोगों को मालूम होगा 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में एक याचिका दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों का भरोसा चुनावों पे और इस प्रजातांत्रिक प्रणाली पे बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनके अंदर वीवीपैट यानी कि कागज की पर्ची निकलने वाली मशीन भी लगाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी द्वारा दबाया गया जो बटन है और उनकी जो वोट है वो एक ही जगह जा रही है नहीं जा रही है। और सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को आदेश हुए थे कि सभी ईवीएम्स के अंदर वीवीपैट लगाए जाएं। 2017 के अंदर जब ये मामला दोबारा उठा और बड़े लेवल पे सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगे कि ईवीएम की मशीनों के साथ छेड़खानी की गई है, उनकी टेम्परिंग की गई है और इस वजह से अलग अलग राज्यों में बीजेपी जीती है और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के अंदर भी बीजेपी इसी कारण जीती है। इसके बाद एक याचिका बहुजन समाज पार्टी की और अन्य कुछ पार्टियों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इस चीज को इंश्योर करेगी कि 2019 में होने वाले आम चुनाव के अंदर हर ईवीएम मशीन के अंदर वीवीपैट यानी कि कागज की पर्चियों वाली मशीन लगाई जाएगी। इस विषय में केंद्र सरकार ने एफिडेविट देके कहा था सुप्रीम कोर्ट में 2017 में कि हम इलेक्शन कमीशन को पैसा देंगे ताकि इलेक्शन कमीशन वीवीपैट मशीनें खरीदे। ये एक टाइमलाइन है जो आपको मैं बता रहा हूं कि कैबिनेट ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है वो इस पे आनाकानी कर रही थी और 2014 से लेकर 2017 तक उन्होंने पैसे तक नहीं दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने पैसे जमा कराए कि अब वीवीपैट मशीनें खरीदी जाएं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज एक दैनिक अंग्रेजी अखबार के अंदर यह छपा है कि अगर 2019 के आम चुनाव के अंदर आपको वीवीपैट मशीनें लगानी होंगी तो करीब 16.5 लाख वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता है, जिसका हलफनामा केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसके अनुसार ये 16.5 लाख वीवीपैट मशीनें सितंबर 2018 तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में पहुंच जानी चाहिए थी ताकि इनकी टेस्टिंग हो सके, इनके ऊपर प्रैक्टिस हो सके और 2019 में चुनावों के अंदर इस्तेमाल हो सके। जो अंग्रेजी दैनिक के अंदर आज खबर आई है वो हैरान करने देने वाली है और मुझे लगता है ये देश की चुनाव व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धोखा है कि मात्र 3,48,000 वीवीपैट मशीनें ही अभी तक आई हैं। इसका मतलब सिर्फ 22% वीवीपैट मशीनें आई हैं। इसका जो सार निकल रहा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है हमारी पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है केंद्र सरकार ने पूरी साजिश करके, पूरी की पूरी मंत्रणा करके, पूरा का पूरा एक ये समझिए एक स्ट्रैटेजी बना के देश के चुनावों को मैनिपुलेट करने की और इसके अंदर गड़बड़ झाला करने की पूरी साजिश केंद्र सरकार ने कर ली है। जब केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने इन दो बड़ी कंपनियों को बीएल और ईसीआईएल, बता दें कि ये दो कंपनियां
बीएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है, और ईसीआईएल एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है। जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम 16.5 लाख मशीनें सितंबर 2018 तक दे देंगे, तो इसका मतलब खेती की तरह नहीं होता है कि किसान ने खेत जोत दिया, बीज डाल दिए और फिर बारिश का इंतजार हुआ कि बारिश हो गई तो फसल हो गई, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करने वाली बड़ी बड़ी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। बाकायदा अगर सितंबर का ऑर्डर दिया हुआ है और ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सितंबर तक 16.5 लाख मशीनें दे देंगे, तो आप समझिए एक एक चीज की प्लानिंग करी गई है उस कंपनी के अंदर कि इतनी तारीख तक रॉ मटेरियल आ जाएगा, इतने लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शेड्यूल बना होगा, इतने दिनों में इतनी मशीनें दे देंगे, इतनी दिनों में ये पार्ट बन जाएगा, इतने दिनों में ये पार्ट बन जाएगा, इतने दिनों में इसको असेंबल किया जाएगा, इस तरीके से डिलीवरी करी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी आनी थी 16.5 लाख मगर 2.5 लाख ही 3 लाख ही आई है, ये ऐसा नहीं होता इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर और इतने इंपॉर्टेंट विषय के अंदर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप कह दें कि जी नहीं हो पाया, इसका मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार रच रही है कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो चुनाव कराए जाएंगे उसको पूरी तरीके से गड़बड़ छाला करके उस चुनाव में तय कर लिया गया है आज ही कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से दोबारा जिताया जाएगा और कोई सवाल ना उठा पाए, इसलिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जाए।